स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के संभल में जिला शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जेईई नीट परीक्षाओं को रद्द करने के लिए ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम संभल को सौंपा। जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त में कांग्रेस कार्यकर्ताओं डीएम ऑफिस जिला मुख्यालय बहजोई में इकट्ठा हुए। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की। अभिभावकों ने बड़ी संख्या में मांग के बावजूद केंद्र सरकार जबरन जेईई नीट की परीक्षा कराने पर आमदा है। सरकार के इस निर्णय से छात्र एवं अभिभावकों के मन में कोविड 19 को लेकर भय का माहौल है। महामारी के इस दौर में जबकि यातायात और होटल आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, छात्रों को परीक्षा देने में मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों के इस मांग सामूहिक तौर पर उठाने का निश्चय किया गया। मांग को लेकर NSUI छात्र संगठन भी दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार को छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विजय शर्मा, शहर अध्यक्ष तौकीर अहमद, मनोज भास्कर, पवनगिरी, सुनील शर्मा, इफ्तिखार राजीव कुमार और साबिर अली मौजूद रहे। संभल संवाददाता सालिहीन अशरफी की रिपोर्ट।